सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का नया कंटेंट ये है कि मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था कि गाइस, जो ये गांव-गांव में लोग महुआ बिनते हैं उसका वीडियो आप लोगों को दिखाने का और पूरा कंप्लीट शेयरिंग देने का वादा किया था मैंने। तो गाइस, मैं आज आ चुका हूँ लोकेशन पर। तो आज हमारे यहाँ की जंगल में जो एरिया है वहाँ पर कुछ बच्चे आए हैं बिनने महुए। तो चलिए, मैं भी चलता हूँ वहीं पर उसी लोकेशन पर और आपको भी दिखाता हूँ कैसे लोग कलेक्ट करते हैं और आगे का प्रोसेस कैसे क्या होता है, सब आपको दिखाएंगे। और साथ में गाइस, टेस्ट लेना तो बनता ही बनता है, तो कुछ चखेंगे भी। तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है गाइस, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। चलिए गाइस, चलते हैं वहाँ पर लोकेशन पे। तो गाइस, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, ये यहाँ पर देखिए बच्चे लगे हुए बिन रहे हैं। तो चलिए वहीं पर चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं। आज थोड़ा सा गाइस लेट हो गया क्योंकि आज थोड़ा सा सो के भी लेट उठा, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। और ये लोग बच्चे लोग काफ़ी टाइम पहले आ जाते हैं कि एक दो नहीं, चार पाँच पेड़ लगातार ये लोग बिनते हैं। ओह, ये तो पूरा सूख चुका है गाइस, ये वाली डाल देखिए पूरी सूख चुकी है। और ये पत्थर देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हैं। थोड़ा चढ़ने का, वाव लग रहा है पहले फ्लोर पर चढ़े हुए। सो ये देखिए रिजल्ट, इनको एक एक बिनना पड़ता है और फिर जो है इस डलिया में कलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा सा बिन के देखते हैं। तो बालक, कैसा लग रहा है तुमको बिनकर? बढ़िया लग रहा है कि गर्मी लग रही है? अच्छा, चलो हम भी थोड़ा सा देखते हैं कितना बढ़िया लगता है। तो ये देखिए, ये चीज़ है सब गाइस, ये जब सूख जाता है तो इसको सुखा करके फिर इसको किसी बोरी या बोरिया में कलेक्ट करके लोग मार्केट ले जाएंगे। सभी किसान लोग, हम ही लोग भी ऐसा करते थे जब यहाँ रहते थे, और इसके बाद जो है इसको मार्केट में सेल करते हैं। शायद मे भी इस समय इसका रेट 3000 या 4000 रुपये होगा, तो इनकम तो मिल जाती है इससे, बट मेहनत भी बहुत है क्योंकि इनको एक एक जो है उठा करके डलिया में भरना फिर सुखाना काफ़ी मेहनत वाला काम है। चलिए इनको एक दो चक के भी देखते हैं। के लिए सबसे पहले हमको तोड़ने होंगे बढ़िया से बड़े बड़े पत्ते, क्योंकि ये गाइस हाथ में लग जाता है ना, जैसे ये बड़ा पत्ता है तो इसको एक तोड़ लेंगे। ये गाइस वही तेंदू है, बोला था ना आपसे पिछली वाली वीडियो में कि इसमें नए नए पत्ते निकलने लगे, बस यही हुए नए पत्ते हैं। और कुछ टाइम बाद जो है फिर ये लोग जो मतलब किसान लोग फुर्सत हो जाते हैं तो ये पत्तियां तोड़ तोड़ के फिर इसके बंडल बनाते हैं और इसी का बनता है देसी बीड़ी। एक रुपए का शायद या दो रुपए का बंडल। चलिए इसमें तोड़ के भर के खाते हैं फिर। सो फैमिली, देख सकते हैं आप लोग, मैंने इतने लगभग कलेक्ट कर लिए हैं, अब इनको खा करके देखता हूँ। थोड़ा सा मीठा होता है तो इसमें चींटियाँ भी लग गई हैं, चींटियाँ चल रही हैं अंदर, तो थोड़ा सा फूंक फूंक के खाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो। तो चलिए, चीयर्स। बढ़िया है। चूसना पड़ता है गाइस इनको, मीठा मीठा इनका रस, टेस्ट ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ग्लास में आधा ग्लास आप चीनी डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी, इतना मीठा है ये। और थोड़ा सा महक टाइप भी है, इसे महुए की महक होती है। मज़ा आ गया गाइस। तो
तो चलिए गाइस, ज़्यादा तो नहीं खाएंगे इसको, दो चार और खा लेंगे बस। तो बस आज के लिए ये ब्लॉग इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव यू नाइस डे, बाय बाय।